Today we are going to discuss some important terms related to lenses, which are principal axis, center of curvature, principal focus, optical center, focal length. क्लियर हो गया? आज हम डिस्कस करेंगे ये जो कुछ टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं लेंजेस के साथ. ठीक है, सबसे पहले आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है. उसके बाद आपको पता चलेगा कि इमेज फॉर्मेशन क्या होती है. ठीक हो गया? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की और सिंपली अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है जो ज्वाइन कर रही है किस में? टू लाइंस जब एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं सेंट्रल जो पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर में, तो वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये रेड कलर की जो लाइन है जो कि क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है. ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये सेंटर है, जो लेंस है ये देखें पूरा लेंस है और इस लेंस का जो सेंटर होगा इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. और इस ऑप्टिकल सेंटर में जो दो लाइंस एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. यानी कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ज्वाइन हो रही है. ठीक हो गया, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है. तो आपको समझ आ गई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आर द सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग स्फीयर्स व्हिच फॉर्म द लेंस सरफेस. लेंस की सरफेस पे जो दो लाइंस जब आपस में जाहिर है आपस में ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल है. ठीक है, और इसके जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे ये ज्वाइन हो रही है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे. ये जो पूरी एक्सिस आती है यहाँ से यहाँ तक इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. और ये आपके पास क्या है? सेंटर क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक मैं सिंपल जो मेथड है आपको समझाने का वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट करें आपके पास ये कर्व लाइन है, ठीक है, और दूसरी कर्व लाइन है ये वाली. ठीक हो गया, अगर आप इस लेंस को सेंट्रल सेंटर से कट करेंगे तो एक लाइन कर्व्ड ये आएगी, एक कर्व लाइन ये आएगी. ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, अब आप इमेजिनरी इस ये जो लाइन है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इस लाइन का इमेजिनरी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएं. तो वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे यहाँ से जाएगा. ठीक हो गया, और इसका जो इस तरफ वाले का यानी कि लेफ्ट साइड का जो लेंस का पार्ट है उसका जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे यहाँ से बनेगा. ऐसा ही है. अब ज़ाहिर है यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा करीब करी हूँ. अब ये जो इमेजिनरी सर्कल आपने ड्रॉ किया है राइट पार्ट ऑफ लेंस से और लेफ्ट पार्ट ऑफ लेंस से, उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा उससे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. ठीक हो गया, अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की. प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रेक्टेड बाय द लेंस. ठीक हो गया, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें क्या होता है, सिंपल सी बात ये है कि जब आपके पास लेंस में से लाइट पास करती है ना, देखिए फर्स्ट करें आपने यहाँ से लाइट पास की, लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी और ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी इनवर्ड. तो इनवर्ड बैंड होने के बाद ये जो पॉइंट आता है जहाँ पे वो लाइट ज्वाइन होती है किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस. आपको पता है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस है रेड कलर की लाइन. इस रेड कलर की लाइन पे जब वो जो लाइट आपने पास की थी वो आके इसको स्ट्राइक करती है और ज्वाइन करती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, ये वो पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है और ये फोकल पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास इमेज की फॉर्मेशन होती है. समझ गए मेरी बात को? अगर लाइट आ रही है राइट साइड से और बेंड हो रही है इनवर्ड लेफ्ट साइड पे, तो जब वो बेंड होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करेगी तो ये फोकल पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, और जब वो लेफ्ट साइड से आ रही है और पास लेंस में से पास करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे ज्वाइन हो रही है तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस पॉइंट होगा. सही हो गया, अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की. तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था लेंस का जो सेंटर है, ठीक है, लेंस का जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं?
ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. एनी लाइट गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट नोटिसिबली गेट रिफ्रैक्टेड. वो लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव पास करके जा रही है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जा रही है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती. ठीक हो गया. अब बात करते थे फोकल लेंथ की. फोकल लेंथ क्या होती है? तो याद रखिएगा, फोकल लेंथ आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर. आपको पता है ये प्रिंसिपल फोकस था, जहाँ पे आपने याद किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जब लाइट आके जॉइन होती है तो वो जो पॉइंट होता है वो फोकल पॉइंट होता है या प्रिंसिपल फोकस होता है. तो वो जो प्रिंसिपल फोकस से लेके सेंटर जो आ जाता है आपका पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इधर भी प्रिंसिपल फोकस से लेके जो ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. ठीक हो गया. और लास्ट में आ जाता है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव कन्वेक्स लेंस. अब क्या होगा इमेज फॉर्मेशन में? होता ये है कि इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड होता है. रियल इमेज बनता है लेकिन इन्वर्टेड बनता है, उल्टा इमेज बनता है. होगा क्या, अगर लाइट आ रही है यहाँ से, लाइट स्ट्राइक करेगी कहाँ पे? लेंस के बिल्कुल जो एजेस हैं वहाँ पे. तो जब एजेस पे स्ट्राइक करेगी तो लाइट डाउनवर्ड बेंड होगी. समझे, रिफ्रैक्शन प्रोसेस ये होता है जिसमें जब लाइट आती है तो पास करने के बाद वो इनवर्ड बेंड हो जाएगी. समझ गए हैं? तो आप यहाँ पे हर जगह देखेंगे लाइट इनवर्ड बेंड हो रही है. लाइट आई, स्ट्राइक किया उसने लेंस के साथ और इनवर्ड बेंड हो गई. ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या रियल फोकस कहते हैं. और याद रखिएगा, ये वो पॉइंट है जब लाइट आके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जॉइन होती है, वही पॉइंट है ना जो मैंने आपको पहले बताया था. तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. और यहाँ पे क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन होती है. तो जब कभी भी कन्वेक्स लेंस से लाइट पास होगी तो वो रियल इमेज बनाएगी, बिल्कुल वही इमेज होगा जो कि लाइट पास हुई है. ठीक है. और याद रखिएगा वो इमेज इन्वर्टेड होगा. फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से पास हो रही है तो इमेज यहाँ पे बनेगा. ठीक है. लाइट यहाँ से पास हो रही है तो इमेज इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा. समझ गए मेरी बात को? तो ये आ जाता है कन्वेक्स लेंस के बारे में. होपफुली आपको क्लियर होगा. इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनकेव लेंस के बारे में और इमेज फॉर्मेशन कनकेव लेंस में कैसे होती है. थैंक यू.